असल गाइज वेलकम टू लेट्स ट्राई एप्पल मायने में सुल्तान हैदर कैसे हैं आप लोग गायज कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से यहाँ पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में आप रह रहे हैं जहाँ पे एप्पल की ऑफिशियल वर्ंटी uh, सेंटर नहीं है उनके ऑफिशियल सेल सेंटर नहीं हैं तो वहाँ पे किस तरीके से आप वारंटी uh, को क्लेम कर सकते हैं उस वीडियो को मैं अपने आई बटन में दे दूँगा आप उसको ज़रूर देखिएगा वो सारा प्रोसेस मैंने उसमें मैंशन किया हुआ है कि किस तरीके से पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर यानी पाकिस्तान में स्पेशली यहाँ पर जो फ्यूचर टैक वाले हैं फ्यूचर टेक बेसिकली एप्पल ऑथराइज वो uh, इदारा है जो कि आपको पाकिस्तान में यहाँ पर वारंटी को क्लेम करने में मदद देता है और बिना कुछ पे किए वो आपको ये सारी सर्विसेज यहाँ पे मुहैया करते हैं सो so, आज मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया जिसमें ये पूछा गया कि उन्होंने फ्यूचर टेक वालों को कॉल की अपने फ़ोन की वारंटी को क्लेम करवाने के लिए सो फ्यूचर टेक वालों ने उनको बोला कि आपका फ़ोन अगर पी टी नहीं है तो हम उसको क्लेम नहीं कर सकते यानी अगर आपका फ़ोन नॉन पी तो वो क्लेम नहीं होगा उसके लिए आपको उसको पी अप्रूव करवाना पड़ेगा तो ये सब जान के मुझे काफी हैरानी हुई है मैंने सोचा कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है यानी अगर आपका फ़ोन वारंटी में है तो आप आराम से उसको क्लेम करवा सकते हैं इसका पीटी अप्रूवल से और नॉन अप्रूवल से क्या ताल्लुक है यानी वो तो यहाँ पे यानी जो पाकिस्तानी जो टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी है उसके टैक्सेस से उनका ताल्लुक है सो इससे एप्पल की वारंटी का क्या ताल्लुक तो मैंने पर्सनली ये बात जानने के लिए इस बात की क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने फ्यूचर टेक वालों को खुद कॉल की और ये सारी बात मैंने डिटेल में उनसे डिस्कस की तो मैंने सोचा कि इस बारे में मेरी उनसे जो बात हुई है और उनसे मुझे जो भी इंफॉर्मेशन मिली है इसके ऊपर आपके लिए एक वीडियो बना दूं ताकि आपको भी अगर इस तरह का प्रॉब्लम आए तो आप आप किस तरीके से उसको रिजॉल्व कर सकते हैं सो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो की तरफ जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर मैं इसी तरह की एप्पल से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूं सो so मेरे साथ रहिएगा चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं सो so गाइस ये सारी स्टोरी कुछ इस तरह से है कि अगर आपका फोन वारंटी में है और आपके फ़ोन में किसी किस्म का कोई मसला आ जाता है फ़ोन ब्रेक हो सकता है उसकी एल में कोई इशू आ सकता है बोर्ड का प्रॉब्लम हो सकता है किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम आ सकता है तो उस सिनेरियो में होता यह है, है कि अगर आपका फ़ोन पी टी अप्रूवड है या नॉन पी टी है तो दोनों सिचुएशन में क्या हो सकता है पहली सिचुएशन ये है कि अगर आपका फ़ोन पी टी अप्रूवड है तो फ्यूचर टेक वाले बेसिकली उनकी थ्योरी ये है वो ये कहते हैं कि अगर आपका फ़ोन पी टी अप्रूवड है तो हम उसको वारंटी में क्लेम करेंगे यानी वारंटी में इस तरह से क्लेम करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप में से कोई भाई फ़ोन लेके जाते हैं और उनके फ़ोन का जो प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरह से है कि वो फ़ोन का प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकता और बदले में आपको फ्यूचर टेक वाले फ़ोन रिप्लेस करके देंगे तो जो वो रिप्लेस करके आपको फ़ोन देंगे तो वो पी टी अप्रूव्ड ऑलरेडी होगा इसलिए जब आपका फ़ोन रिप्लेस होना होता है यानी आपके फ़ोन को रिपेयर नहीं किया जा सकता उसको ठीक नहीं किया जा सकता और आपका फ़ोन नॉन पी टी है और आपका फ़ोन जब उन्होंने रिप्लेस करके आपको देना है तो वो पी टी अप्रूव्ड होगा तो इस वजह से वो कहते हैं कि इन दैट केस अगर आपका फोन नॉन पीटी तो हम उसको रिप्लेस करवा के नहीं दे सकते क्योंकि हम जो आपको फोन बदले में देंगे वो पीटी अप्रूव्ड होगा इसलिए जो आप हमें फोन देंगे वो भी पीटी अप्रूव्ड होना जरूरी है क्योंकि फिर इस तरह से उनको टैक्स पड़ेगा और वो टैक्स के एक से जो होंगे वो उन्हीं को बेयर करना पड़ेंगे सो अगर आपके फोन का मसला इस तरह से है यानी अभी आपको शुरू में तो नहीं पता चलेगा आप उनके पास जाएंगे उनको अपना फोन चेक करवाएंगे और वो जब उसको डायग्नोस करेंगे उसके बाद आपको बताएंगे कि आपका फोन जो है वो ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता इसको हम रिप्लेस करवा के ही देंगे सो अगर आपका फोन इन है उसका कोई भी इशू ऐसा हो सकता है जो रिज़े नहीं हो सकता लैब में सो उस सूरत में फिर एप्पल आपको रिप्लेसमेंट में नया जो फोन होता है वो देता है तो वहां पे आपका जो फोन है वो फिर पी टी अप्रूवड होना चाहिए अगर ऑलरेडी है फिर तो वो आराम से उसको फ़ोन को ले लेंगे और रिप्लेसमेंट में आपको नया फोन दे देंगे लेकिन अगर आपका फोन नॉन पी टी है तो उस सूरत में आपको फिर अपना फोन पी टी अप्रूवड करवाना पड़ेगा और बाद में रिप्लेसमेंट होगी अब दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर आपका फोन आप लेके जाते हैं और वो पी टी अप्रूवड है या नहीं है लेकिन आपका जो फोन है उसका मसला कुछ इस तरह से है कि उसके लिए रिप्लेसमेंट जरूरी नहीं है यानी आपको नया फोन नहीं मिलेगा बल्कि वही फोन जो उसमें फॉल्ट है वो उसको ठीक कर देते हैं कोई भी बोर्ड के अंदर फॉल्ट है या मेमोरी चिप का मसला है या बैटरी से रिलेटेड कोई इशू है डिस्प्ले से रिलेटेड कोई इशू है और वो रिपेयरेबल है और वो लैब में उसको बड़े आराम से ठीक कर सकते हैं तो इस सूरत में अगर आपका फ़ोन पी टी अप्रूवड है या नहीं है इट डजेंट मैटर क्योंकि वो फ़ोन आपको ठीक करके आपको दे देंगे लेकिन अगर आपका फ़ोन रिप्लेस होना होगा तो उस सूरत में आपका फ़ोन जो होगा वो पी टी अप्रूवड होना बहुत ज़रूरी है सो so, ये बेसिकली दो सिचुएशंस हैं जो मैंने आप लोगों के सामने रख दी हैं ताकि आप ऑलरेडी अगर फर्ज करें आप फोन क्लेम करवाना चाह रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं और आप उसको वारंटी में क्लेम करवाना चाह रहे हैं तो आपको पहले से ही इन दोनों सिचुएशंस के बारे में पता हो इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं कि वो कौन सी सिचुएशन हैं जहाँ पे हम अपनी वारंटी को क्लेम नहीं करवा सकते यानी अगर हमारा फोन वारंटी में भी है तो फिर भी एप्पल उसको क्लेम नहीं करता सो so, ये बात मैंने उनसे पर्सनली डिस्कस की तो मैं आपको भी ये बात बता दूँ कि अगर आपका फोन किसी वजह से एक्सीडेंटल डैमेज में चला जाता है यानी फ़ोन टूट जाता है फ़ोन गिर जाता है गाड़ी के नीचे आ जाता है या वाटर डैमेज है किसी भी वजह से फ़ोन का जो मसला है वो आपके एंड से होता है यानी आपसे फ़ोन गिर सकता है आप उसके ऊपर कोई भारी चीज़ रख सकते हैं ब्रेक हो जाता है कोई भी इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो फिर आपका फ़ोन वो क्लेम नहीं करेंगे यानी वारंटी में आपका फ़ोन क्लेम नहीं हो सकता लेकिन ऐसी सिचुएशन जहाँ पे फ़ोन की नॉर्मल फंक्शनैलिटी के दौरान उसमें किसी किस्म का को कोई मसला आ सकता है फॉर एग्जाम्पल बैटरी का कोई इशू आ सकता है या उसके बोर्ड में किसी किस्म का को कोई मैनुफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट हो सकता है या कोई भी ऐसा इशू जो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके एंड से नहीं होता बल्कि ख़ुद ब खुद डिवाइस के एंड पे आ जाता है तो फिर उस सूरत में आपकी जो वारंटी होती है वो क्लेम हो सकती है बाकी जितने भी स्नैरियोज हैं वहां पे आपकी वारंटी क्लेम नहीं होती यहां पे मैं आपको एक बात ऐड करना चाहता हूं इसमें कि अगर आपके फोन की एक्सीडेंटल वारंटी है यानी आपकी एक तो नॉर्मल वारंटी होती है जो एक साल पर मुहित होती है लेकिन अगर आपके फोन की एक्सीडेंटल वारंटी है जिसमें आपको कुछ एप्पल को एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है तो उस सिचुएशन में फिर आप वो भी फोन जो होता है उसको क्लेम करवा सकते हैं लेकिन यहां पे भी वो चीज़ लागू होगी जो मैंने आपको शुरू में बताई है कि अगर आपका फोन वारंटी क्लेम करवाने की सूरत में रिप्लेस्ड होगा तो फिर आपके फोन का पीटी अप्रूवल जरूरी है क्योंकि बदले में जो डिवाइस मिलेगी वो भी पीटी अप्रूव होगी लेकिन अगर आपका फोन रिप्लेसमेंट में ना आ जाए और वही फोन आपको वो ठीक करके दे देंगे तो फिर उस सूरत में आपका फोन नॉन भी होगा तो वो आपको वारंटी में क्लेम कर देंगे सो so, ये बेसिकली सिनेरियो है जो मैंने आप लोगों के सामने रखा इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है कोई भी बात जो कि इस वीडियो में मैं आपके सामने क्लियर नहीं कर सका मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कर दें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि ये वाली जो इफॉर्मेशन है उन लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है इसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो फ्यूचर में भी आपको मिलती रहे इन लोगों से बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा तब तक के लिए मुझे दें इजाजत अल्लाह हाफिज पीस